ओके मैं आपको थोड़ा एक्सरे मशीन के बारे में बता देता हूँ। ये डीआर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सरे है, कंप्यूट कंप्लीटली डिजिटाइज मशीन है। अब इसके कंपोनेंट मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। पहला कंपोनेंट है ये जिसको हम पैनल बोलते हैं। यहाँ पे इसके अगेंस्ट पेशेंट खड़ा रहता है। अब चेस्ट एक्सरे है तो चेस्ट की पोजीशन ऐसा देंगे, नी का एक्सरे तो नी इसके सपोर्ट में होगा, और स्पाइन का एक्सरे तो स्पाइन इसके सपोर्ट में होता है। दूसरा कंपोनेंट है, यहाँ से रेडिएशन निकलता है, इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट, कॉलीमीटर इसको बताते हैं। यहाँ से रेडिएशन भी निकलता है, और इससे जो फील्ड ऑफ व्यू है कितना आते हैं वो फोकस करते हैं। तो अब जैसे चेस्ट एक्सरे होगा तो फील्ड ऑफ व्यू सिर्फ चेस्ट एक्सरे का आएगा, नी का है तो खाली नी के ऊपर लाइट सोर्स आएगी, और अगर स्पाइन का है तो खाली स्पाइन का उतना कवर जितना फील्ड ऑफ व्यू है वो बताते हैं। मतलब के एक्सरे यहाँ से निकलते हैं, एक्सरे यहाँ से निकलते हैं। एक्सरे इज बेसिकली इनविजिबल रेस, सो यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट सी, इट्स जस्ट अ फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ कि अब यहाँ से लाइट निकलती तो इतना, मतलब इस हिसाब से द रूट ये होगा, बट एक्सरेज दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ओके, यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। दिस इज द मशीन वेयर एक्सरे इज फॉर्म यस एंड यू आर डायरेक्टिंग एक्सरेज टू अ बॉडीज पार्ट। यस ठीक है, और वो रिकॉर्ड होते हैं, वो हैं रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पर पैनल के ऊपर, पैनल के ऊपर। और ये जो पैनल से जो एक्सरे रिकॉर्ड होंगे वो कंप्यूटराइज फॉर्म में फिर इसमें सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। ये है कंप्यूटराइज फॉर्म सॉफ्टवेयर में। ये पूरा पहले के जमाने में एक्चुअली प्लेट्स हुआ करती थी, बट अब पूरा कंप्यूटराइज हो गया, तो वो कंप्यूटराइज फॉर्म में डायरेक्टली सॉफ्टवेयर जो, और डॉक्टर्स के रूम में जो कंप्यूटर है उसमें डायरेक्टली लिखे हैं। तो ये सब टेक्नीशियन का काम है, वो लोग यहाँ से, ये सब टेक्नीशियन का काम है। ये सब उस हिसाब से पोजिशन देते हैं, यहाँ से कितना कौन सा एक्सरे है वो बताते हैं, कितना सोर्स ऑफ व्यू लेना है वो बताते हैं, और पेशेंट को सब समझाते हैं। ठीक एक और कंपोनेंट है, ओके, तीसरा ये इलेक्ट्रॉनिक पैनल है जिससे कितना रेडिएशन लगेगा, कितना, अगर थोड़ा मोटा पेशेंट है तो हमको थोड़ा पेनिट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो हमको उतना एमए और केवी में डिफरेंस करना होता है, तो वो पीडियाट्रिक पेशेंट है तो कम रेडिएशन चाहिए, तो उस हिसाब से इसमें सेट हो जाता है। मतलब कौन कितना डोज देना, कितना डोज ऑफ एक्सरेस देने है, वो इस यहाँ से सेट करते हैं, यहाँ से हम सेट करते हैं। ओके ओके, दिस इज बेसिकली होल एक्सरे सेटअप, होल एक्सरे सेटअप। और ये एक्सरे मशीन है जहाँ से हम एक्सरे प्रोड्यूस करके एक्सरे को कौन सी बॉडी पार्ट को हमको डिफाइन करना है एक्सरे के अंदर, वो पूरा यहाँ पे हम लोग हम बताएं, और आपको हम एक लाइव डेमो भी देने वाले हैं एक पेशेंट का। ओके ठीक है।